एक तो ये देख रहा हूँ कि लोग अक्सर बात करते हैं, मुझे कोई एक लड़का ऐसे ही मिला, बोला आप बहुत बढ़िया, आपका इंटरव्यू सुना पिछला बहुत बढ़िया बोले। तो मैंने उसको बोला कि देखो गुरु, मैं एक्टिंग से ज़्यादा बढ़िया आजकल इंटरव्यू ही कर रहा हूँ। साहब आज हमारे साथ जो है वो कालीन भाई मौजूद हैं, और कालीन भाई का बड़ा दबदबा वर्चस्व, बाहुबली हैं ये, ठीक है, और इनका शहर है सारा का सारा, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे, और इनके मग भी हैं, ठीक है, और तकिए भी हैं, और इनके स्टैचू भी हैं। स्टैचू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। मैं जब अपनी ही मूर्ति देखा ना, हाँ, शूटिंग में सेट पे लगा था, हाँ, रामनगर चौराहे पे, अच्छा, तो मैंने तस्वीर भी खींची और बीवी को भेजा कि ये देखो। अभी तक सुनता था कुछ नेता लोग बना लेते हैं अपनी प्रतिमा, तो ये भी है वैसे कालीन भैया की अपनी तस्वीर खुद लगाए बैठे हैं। अब बाबू जी को भेजे? नहीं उनको नहीं भेजे। अरे उन्हें भेजिए ना, उन्हें बहुत मजा आएगा। हम भी आजकल यही करते हैं, कुछ भी बड़ा होता है ना तो हम पिताजी को भेज देते हैं। हमारे पापा आजकल ना रैंडमली हमारा जिक्र लेके आते हैं, हालांकि कई बार ना इसके बड़े फायदे होते हैं। मैं ना मेरे केस में एक जेन्युइन हुआ था, मेरी माँ बीमार थी और मैं मुंबई में रात को 1 बजे परेशान हूँ, फोन कर रहा हूँ कौन हॉस्पिटल पटना आ गई थी, तो पता चला कि ऐसा ऐसा ब्लड टेस्ट आया सुबह में, थायराइड की प्रॉब्लम है। तो मैं पहुंच गया पटना सुबह की फ्लाइट लेके, कई डॉक्टर ने माँ को देखा चाहिए है और मुझे देखा, और डॉक्टर रुक से गए, सुल्तान क्या बात है। मैं बोला हाँ सर, बोला नहीं नहीं एक मिनट रुकिए आप बैठिए, और वो ऐसे करने लगे, बोले आप आए हैं? मैं बोला जी मेरी माँ है ये, तो आपने बताया क्यों नहीं? मैं बोला बताने की क्या जरूरत थी, हम तो नंबर लगा के आए हैं। कोई बात नहीं माता जी बैठिए, पूरा इलाज किया, हमें बाहर छोड़ने आए। हम लोग बाहर आए तो उनका असिस्टेंट लौट के आया, जो पैसे लिए थे वो लौटा दिए। क्या बात है। और जब ये किस्सा मेरे बाबूजी को मालूम चला कि डॉक्टर ने पैसे लौटा दिए, वो गांव में सबको जाके बताते रहे कि फी लौटा दिए, इतने बड़े डॉक्टर लौटा दिए पैसा ना। तो उसके कुछ फायदे भी हैं। फायदे तो साहब हैं। बाद में तो मेरी माँ का अब फोन पे ही हो जाता है। अच्छा। डॉक्टर अनुज, हाँ हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं करता हूँ करता हूँ, आप निश्चिंत, आप एक्टिंग करो। पंकज भाई यही कमाए और कुछ नहीं? और कुछ लोग कमाए हैं, दोस्त कमाए हैं बस। माशाल्लाह, क्या कलाकार होने का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है कहीं अंदर भीतर से अटेंशन और गुरूर, ये आता ही आता है। बिल्कुल ठीक है कि वो है, तभी तो हमने बैंक में नौकरी नहीं की। पर क्या है कि जब आप उतना उतना सेल्फ लव लेके आप चलते हैं, कई बार ना गलती से लोगों का पैर पे पैर आ जाता है, हाँ, किसी का धक्का लग जाता है। तो मुझे बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं, मेरे को लग अक्सर लोग आकलन कर लेते थे, दो लाइनें हैं बोल पाओगे क्या, या तुमसे हो जाएगा तुम कर लोगे। हमें लगता था यार इनको तो पता ही नहीं है हमारे बारे में। मैं पहली बार एक्शन कर रहा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं यार कि ये कैसे रिएक्ट करना है, गोली लगनी है कैसे होगा, 3-4 टेक हो गया। एक्शन वाले वैसे भी थोड़ा गाली गलौज में बात करते हैं, क्योंकि वो काम ही वो नज़ाकत वाला काम तो है नहीं, मारो हाय डिसुम डिसुम, वो जितनी आवाज़ वो इफेक्ट में बड़ा डम, तो ऐसे बूम बड़ा डम हाँ। अब मैं उसमें फंसा हुआ था, 3-4 टेक हो गया, तो उन्होंने गाली दे दी। अपने असिस्टेंट को बोला कि किस चूतिए को पकड़ लाए हो यार, और भी थोड़ा था जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता अभी। और मैं गांव का आया हुआ व्यक्ति, अभिनय में तो आ गया बट वो गांवठीपन तो जाता नहीं है ना, हम गाली के लिए तो अरे ऐसे कैसे, और वो भी काम में दिया हुआ हो, दोस्त की दी हुई गाली गाली नहीं लगती। और मैं एकदम मूड ऑफ मेरा खराब आ रहा था, तो एक एक्टर बैठे थे मेरे साथ गाड़ी में, बोले क्या हुआ पंकज? मैं बोला अरे उसने गाली दी है उसको, तो मैं एक्टिंग करना ही नहीं है मुझे यार आगे से, उसको ना आज सर कूट के निकल जाऊँगा। तो उस व्यक्ति ने यही सलाह दी थी कि ये इसको जमा करो और क्राफ्ट पे काम करो, अपने काम पे फोकस करो, एक दिन यही आएंगे और सर बोलेंगे। उसने भी रेंडम फेंक दी होगी, हाँ। या ये बात मेरे अंदर भी चल रही थी। और सर जिंदगी ने वो मौका दिखाया, 8 साल लगे, हाँ। सेम व्यक्ति एक स्क्रीनिंग में हमने साथ में एक पिक्चर देखी, हाँ। वो चल के आए, हाँ। बोले यार सर क्या काम किए हो आप। तो मैं अक्सर ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जब बड़ा होता है तो वो तब बड़ा नहीं होता जब उसका नाम होता है, वो पहले से बड़ा आदमी होता है। पहले से बड़ा आदमी होता है, बस आप उसकी पर्सनालिटी आप तक अब पहुँची। मेरी भाभी हैं रीता तिवारी नाम है, वो अक्सर ये बात बोलती हैं मुझे कि बाबू जानता नहीं, हाँ। हम लोग अगर 9वें क्लास में देख के जान गई लरनी कि मैं 9th में ही समझ गई थी कि ये तो कुछ है। मुझे ना एक बड़ा एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है, जब मैं पहली बार आपसे मिलने जुहू आ रहा था जी, तो मुझे जो महिला ने फोन किया कि जाकिर से मिलना है आपको, तो जाकिर खान तो मुझे लगा वो तबला वाले से मिलना है क्या मुझे, क्यों मुझे क्यों मिलना है उनसे।
बोले नहीं नहीं वो कॉमेडी करते हैं। बोले अच्छा ये इस नाम के भी कोई व्यक्ति हैं? मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता था। बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ, जो हूँ मैं कल परसों जो भी टाइम है मिल लेंगे। मैं आ रहा था तो मेरे भतीजे ने कॉल किया, वो दिल्ली में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है IAS का, मृत्युंजय नाम है। बोले चाचा कहाँ कहाँ हलवा कहाँ जाता रहा? बोले वो जाकिर खान एक हैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। बोले कौन जाकिर? बोले कॉमेडी करते हैं। तो साइलेंस में हो गया वो 3 सेकंड। तुम मिलने जा रहे हो? हम बोले हाँ। उनसे मिलोगे? हम बोले हाँ। क्यों ऐसे क्यों तुम रोक रोक के बोल रहा है? बोला अरे वो तो बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं और बहुत ही। हम बोले अच्छा। अब गुरु मेरा लोड बढ़ गया कि अच्छा मैं इनसे मिलने जा रहा हूँ। मैं बोला फोन रख तू। बोला अरे चाचा तू यूट्यूब पे जाओ और देखो, तुम्हें मालूम नहीं है किससे मिलने जा रहे हो, तुम इतनी आसानी से बोल रहे हो। मैं बोला अच्छा रुको मैं देखता हूँ। उसके बाद मैं तुरंत खोला यूट्यूब और मैंने आपके 2-3 एक्ट देखे और तब मुझे पता चला। मैं कहीं एक आध छोटा मोटा देखा था बट मुझे मालूम नहीं था डिटेल में, पर बड़ा मजेदार था उस दिन आपसे पहली मुलाकात थी। बहुत मजा आया उस दिन मिलके। उस दिन की जो मुलाकात थी पंकज भाई हमारी, मेरे को एक बात जो मेरे साथ रह गई और मुझे बहुत इफेक्ट करी एज एन आर्टिस्ट, वो ये थी कि आपने कहा था कि ये सहजता की जो सब लोग बात करते हैं, उस सहजता का भी बहुत रियाज हुआ है, उसकी भी बहुत प्रैक्टिस हुई। बिल्कुल। इसमें क्या है ना, वो लोग बोलते हैं अरे बड़े नेचुरल एक्टर हैं आप तो, बहुत सहज करते हैं। नेचुरल हो ही नहीं सकते हैं, ये बार बार माइक सुधारा जा रहा है, 40-50 लोग इस कमरे में बैठे हैं। हम बात ही कर रहे हैं और अभिनय करना है आप, किरदार किसी को नेचुरल संभव ही नहीं है नेचुरल होना, वो रिहर्स्ड है, वो रियाज है, प्रैक्टिस है। मिर्ज़ापुर के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप एज एन एक्टर आपको आपका ये फैसला किस तरह से आपने लिया, वो थोड़ा सा अगर प्रोसेस हमको बता दीजिए। मेरी फिल्मी जीवन की शुरुआत हिंदी सिनेमा में एक्सेल से हुई है, जो कोई नहीं जानता है, लक्ष्य नाम की फिल्म थी। उसमें मैंने एक 2 सीन का रोल किया था जो फिल्म में नहीं रहा, एडिट हो गया। अच्छा। मैं फिल्म में एडिट हो गया, पूरा पोर्शन कट गया। इनफैक्ट हम पटना में जाके अखबार में इंटरव्यू दे दिए। ओहो। कि लक्ष्य आने वाली है और अखबार ने लक्ष्य ऋतिक रोशन बड़ी फिल्म में पिछले पन्ना होते ना रंगीन पेज पीछे का, उस पर छाप दिया। फिल्म आई, मैं भी देखने गया अशोक सिनेमा। अरे वो होगा ना लक्ष्य में नजर आएंगे गोपालगंज के अपने कलाकार। और मैं गया बैठा, मैं ही नहीं दिख रहा हूँ पूरी पिक्चर में। मुझे लगा क्या बताएं, किसको बताएं। तो मेरा तब से नाता है एक्सेल से जी, फरहान मुझे पंडित जी बोलते हैं उसी समय से। तो ये था, ये वजह थी। दूसरा रोल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये कालीन भैया की पूरी दुनिया क्रिएट करके, और जैसे कालीन भैया पहली बार सीरीज में दिखते हैं तो पता चलता है कि जो बाहर इतना पावरफुल व्यक्ति है, अंदर से वो कितना हिला हुआ है। पूरा शहर संभाल रहे हैं लेकिन घर संभालना मुश्किल हो रहा है। तो लगा ये तो अच्छा चैलेंजिंग काम है यार, कुछ करने को मिलेगा। तो यही वजह थी मोटा मोटी 2-4। पंकज भाई से मेरी चाचा विधायक के पहले बात हुई थी और उस वक्त ये मिर्ज़ापुर की शूटिंग कर रहे थे। हाँ, तो हमारा जो है वो मिलना जुलना उतना बढ़ नहीं पाया। तो उसमें उस दिन आप हम जब बात कर रहे थे कि किस तरह के लोग हमें मिले हैं जीवन में, और आई थिंक वही अनुभव है जो आपको अलग अलग किरदार आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कर करके इतना कुछ मिल जाता है कि आपको हर बार नया होने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारे गाँव में एक और बाबा है, पता नहीं वो करूंगा कभी किसी, उनका मूल भाव जो है ना वो भी नहीं रहे, आश्चर्य था। अच्छा। हर वक्त आश्चर्य में रहते थे। अब उनकी बेटी भी आ गई, बाबूजी पानी पानी, हाँ बाबूजी खाना बन गया, चलो खाना बन गया। बेटा दिल्ली से कमा के आए हैं, पिताजी को पैर छुआ, बाबूजी पर अंकुश रहवा गए तुम। हाँ आज ये बहुत लोग देख लेंगे, मैं बाद में हो सकता है किसी किरदार में करूं। कर लीजिए आप। तो लोगों से मिलते हैं ना तो ही तो दुनिया बनती है भाई। बिल्कुल। हमारे देश की खासियत यही है कि आप 100 किलोमीटर पे भाषा कपड़े और खाने बदल जाते हैं। उसी से मुझे एक बात कहनी थी आपको कि अब बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब लोग बहुत पसंद करते हैं, है ना, और बहुत तरह के, और अपना जो सोशल सर्कल है वो बहुत बदला है ना। हाँ। कि कहाँ आप पंडित जी के साथ हाथ सेक रहे थे आप, और कहाँ बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो हैं जिनको आपने कभी बस देखा होगा कि यार इन लोगों के साथ काम करना था, उनके साथ भी उठना बैठना आपका होता है। तो एक चीज जो मुझे चुपती है, जो मुझे थोड़ी सी खराब लगती है, वो ये कि ये लोग जब बात करते हैं हम जैसे लोगों से, कितना भी हमारा नाम हो गया, कितना भी हमारा काम चल गया है, उसके बावजूद भी एक वो हल्का सा वो रहता है कि कैसा लग रहा है तुमको। हमारे किस्म के बैकग्राउंड से ऐसी यात्राएं करके आए लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि, या तो मैं हमेशा परहेज करता हूँ कि कहीं ना हमारी बातों में ना वो बात ना जाए कि सहानुभूति खोज रहे हैं। हाँ। कि हम सहानुभूति के पात्र नहीं हैं, या हम मिर्ची के कीड़े नहीं हैं जो गुलाब के फूल में आ गए हैं।
हम वही हैं भाई हर, तो समाज में ना हम आदमी के बारे में एक अपनी छवि बना के रखते हैं। जैसे मसलन हम फिल्म यूनिट में जाते हैं और कई बार कैमरा मैन कोई गोरा दिख जाए ना तो हमें लगता है यार ये तो हॉलीवुड का है तो कमाल होगा, भले वो उधर लंदन में शादी की रिकॉर्डिंग करता हो लेकिन हम उसके रंग से हम मान के चलते हैं जीनियस होगा। तो वैसे ही हम लोग जब ऐसी महफिलों में कहीं जाते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी लोगों की आंखों में वो भाव आ जाते हैं कि अब कैसा लग रहा है तुम्हें, या तुम कुछ अपने दुख भरी किस्से सुनाओ। तो जरा कुछ नहीं हुआ, हम बहुत सामान्य हैं। हाँ यार हम ठीक, हम वही ऑक्सीजन ले रहे हैं जो आप ले रहे हो। हाँ बाकी सब सब ऑर्गेनिक ही है। एक बात आप मुझे बता दीजिए कि आपने बहुत अच्छा अच्छा काम किया माशाल्लाह से, और ये बहुत बड़ी सीरीज है और बहुत बड़े लोग बना रहे हैं और बहुत हम मिर्ज़ापुर जो है एक एपिसोड देखने का मौका मिला है उसमें आपका काम कमाल का और दुनिया भी देखेगी। सबसे पसंदीदा चीज़ आपको क्या लगी मिर्ज़ापुर की? प्लॉट, प्रीमाइस, राइटिंग, बहुत खूबसूरत राइटिंग है मिर्ज़ापुर की जो पुनीत ने लिखा है। वो दुनिया बहुत बढ़िया से क्रिएट हुआ है, महाकाव्य की तरह है, थोड़ा लंबा चौड़ा गाथा की तरह है। प्लस एक अंडरटोन ह्यूमर है थ्रू आउट द सीरीज कि हम भले डार्क ग्रिटी और वो सब कहानियाँ कह रहे हैं गैंग वैंग गोली बंदूक, बट सेम टाइम एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सुंदर है और बड़ा ही अंडरटोन है पूरे सीरीज में। तो बड़ी अभी मैंने एक एपिसोड देखा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छा होगा। मिर्ज़ापुर सब लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है? आ गया है अमेजन प्राइम पे है और अपन सब लोग तो हैं जैसे अमेजन प्राइम पे, तो हाँ बस मिर्ज़ापुर निपटा दो, एक ही बार में निपटा दो, रात भर में ख़त्म कर दो, मज़ा आएगा। हाँ। आ गया है, आने वाला है। हाँ तो मिर्ज़ापुर आने वाला है तो क्या है, आ ही गया है। ठीक है, आ ही गया है। और उसके अलावा जो है कक्षा 11वीं भी आने वाला है। वैसे तो आप खुद प्रिंसिपल बन चुके हैं पर अच्छा है कक्षा 11वीं ला रहे हैं। मैं ज़रूर देखूंगा कक्षा 11वीं और आप भी देखें और फिर मिलते हैं एक दिन बैठकर। मिलते हैं तो साहब, हम जो है दोनों आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप मिर्ज़ापुर देखें और आप कक्षा 11वीं देखें, गोपालगंज इंदौर, और इंदौर से हम लोग आ गए मुंबई में। और बच्चे जो हमें सुन रहे हो, आना चाहते हो, लगे रहो। हाँ हो जाता है, भाव खाते रहो, हो जाता है, आ जाओ। यस ठीक है भाई मेरे, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हाँ चलो भागेंगे हम, आप भी वेट कर। में 6 महीने में छोड़ के चले जाते हैं। ये तो नहीं करना। आपने हमारा मृत्युंजय नहीं देखा है। बताते हैं आपको कौन थी वो लड़की जो दरवाजा खोल के बोली नॉट फिट नॉट फिट। क्या है उसकी औकात क्या है उसकी औकात।